अलीगढ़ में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जन जागरूकता के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आईएमए द्वारा टीबी से बचाव और रोकथाम के लिए क्या करें और क्या ना करें विषय पर दिशा निर्देश दिए गए। मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन तथा सीनियर टीबी एवं चेस्ट फिजिशियन डॉ. राकेश भार्गव ने बताया कि WHO के 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 1 लाख की आबादी पर 188 टीबी के मरीज हैं। बीच में दवा छोड़ने से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का खतरा बढ़ जाता है। अध्यक्ष डॉ. आलोक कुलश्रेष्ठ ने बताया, उत्तर प्रदेश टीबी के मामलों में सबसे आगे है। आईएमए भारत सरकार के टीबी उन्मूलन अभियान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सचिव डॉ. अनूप कुमार ने बताया कि टीबी माइकोबैक्टीरियम नाम के एक जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है, जिसे दवाओं द्वारा पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। कोषाध्यक्ष डॉ. आयुष कुमार ने बताया, दवाएं नियमित रूप से लेनी चाहिए। महिला स्वास्थ्य कन्वीनर डॉ. रश्मि ने कहा कि महिलाओं में गर्भाशय का टीबी संक्रमण बांझपन का प्रमुख कारण है। मीडिया प्रभारी डॉ. प्रदीप बंसल ने बताया, भारत में प्रतिवर्ष करीब 3 लाख से अधिक बच्चे प्रतिवर्ष टीबी की चपेट में आते हैं। इस मौके पर डॉ. अंजुला भार्गव, डॉ. विभव वाशनी, डॉ. भरत वाशनी, डॉ. अभिषेक सिंह, डॉ. निखिल, डॉ. लवनीश, डॉ. उमाकांत गुप्ता, डॉ. SP सिंह आदि मौजूद रहे। बताया गया है कि कीड़े से फैलती है बैक्टीरिया है, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ये मरीज के खांसने से, उसमें छींकने से या तेज बोलने से, उससे हवा में निकलता है, जिस तरह की बिल्कुल कोविड निकलता था उसी तरह ये निकलता है। एक मरीज से दूसरे मरीज जब वो सांस लेता है उसी हवा में, तो वो उसके अंदर चला जाता है। इसका उसके बाद उससे इन्फेक्शन हो जाता है, पर जरूरी नहीं कि इन्फेक्शन हो तो उसको डिसीज हो। 10% लोगों को इन्फेक्शन से डिसीज बनती है, जिसमें इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी कम किसमें होती है? यंग बच्चे, ओल्ड पीपल, जिनमें स्टेरॉयड चल रहा हो, जिनमें कैंसर की दवा चल रही हो, या HIV का इन्फेक्शन हो, एड्स की बीमारी हो, इन सब मरीजों में इनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। उम्र के साथ, ज्यादा उम्र की, कम उम्र की, या इम्यूनिटी कम हो, इनमें ज्यादा फैलती है। इस वार्ता का आयोजन इसलिए किया गया है क्योंकि आज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है और ये 24 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन इसका कीड़ा एक फिजिशियन थे रॉबर्ट कॉक, उन्होंने डायग्नोज किया था, उन्हीं की याद में इसको हर वर्ष मनाया जाता है। और ये 1882 में उन्होंने डायग्नोज किया था। उसके बाद कई दवाइयां आई, लेकिन टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए 2017 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में, जिससे कि ये इसका एक लक्ष्य रखा गया कि 2025 तक इसको हम खत्म कर दें। लेकिन जैसा कि अभी बताया सर ने कि बीच में कोरोना की वजह से बीच में केसेस बढ़ गए, क्योंकि लोग घर में बंद रहे, दवाई नहीं ले पाए। लेकिन उसके बाद अब जब दोबारा से सर्वे हो रहा है तो उसमें इसकी बढ़त रुक गई है और होपफुली 2025 तक काफी केसेस कम हो जाएंगे। लेकिन जो इसका उद्देश्य और भी है कि हम टीवी खत्म कर सकते हैं, उसमें हम समाज तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें और हम आपका इलाज करेंगे, सरकार आपको इलाज में सहायता करेगी। सरकार हर मरीज के लिए 500 रुपये पर मंथ देती है, दवाई फ्री देती है, डॉट सेंटर हैं, और इसकी डायग्नोसिस के लिए बहुत नए टेस्ट भी आ गए हैं, जो कि जल्दी आप कहीं भी पास में किसी भी सेंटर पर जाके करवा सकते हैं। CV NET एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये किसी भी शरीर के अंग में हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन फेफड़ों की टीबी होती है, जो कि दूसरे को फैलती है। हमें उसे बचाना है, हमें जो समाज है उस पर ये संदेश देना है कि आपको अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी हो, बुखार हो, शरीर कमजोर हो रहा हो, भूख न लग रही हो, तो आप तुरंत इस पर ध्यान दें। आपके किसी रिश्तेदार में या किसी जानने वाले में ऐसा हो तो उस पर ध्यान दें, उसकी जांच कराएं, और तुरंत अगर टीबी आती है तो उसका पूरा इलाज लें, क्योंकि अब टीबी 6 महीने से ज़्यादा इलाज नहीं देना पड़ता, 6 से 9 महीने। अगर फेफड़ों की होती है तो 6 महीने, उससे ज़्यादा होती है तो 9 महीने से 1 साल। तो यही संदेश है कि हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, समाज की, मीडिया की और डॉक्टर्स की भागीदारी से अगर हम ये काम करेंगे तो हम टीबी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। महिलाओं को देखिए 18 से 20% के करीब टीबी होती है, और टीबी का सबसे बड़ा नुकसान जो महिलाओं में होता है वो होता है बांझपन, क्योंकि ये ट्यूब ब्लॉक कर देती है, यूट्रस को भी डिफेक्टिव करती है। तो मैं क्योंकि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, तो जब भी इस बीमारी से मरीज का नुकसान होता है तो बहुत दुख होता है,
और ये ऐसी बीमारी है कि अगर ये टाइम से पकड़ी जाए तो ठीक हो सकती है। तो इस बात का भी अफसोस होता है कि मरीजों को टाइम से इलाज नहीं मिला और उसकी वजह से वो इतना बड़ा नुकसान झेलते हैं। तो किस तरह बचाव रखना चाहिए क्या महिलाओं को? बचाव में ये कि अगर आपको महावारी अनियमित हो, महावारी में या ब्लीडिंग ज्यादा हो, पेन हो, आप अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड से कुछ कुछ अगर मासेज आ रहे हैं, टीओ मासेज आ रहे हैं, या यूट्रस की लाइनिंग डिफेक्टिव है, उसमें कैल्सिफिकेशन है, तो एक हम डाउट करते हैं, फिर उसको हम बायोप्सी से कंफर्म करते हैं। तो जितना जल्दी हो जाएगा उतना डैमेज कम होगा, क्योंकि टीबी की दवा देने के बाद टीबी तो ठीक हो जाती है, पर जो उसने डैमेज किया वो परमानेंट होता है। टीबी नाम की जो बीमारी है, जो कि एक जीवाणु जनित बीमारी है, जिसका कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है जिससे वो फैलती है। तो हम ये बताना चाहते हैं पब्लिक को कि इस बीमारी का इलाज संभव है। आप अगर प्रॉपर टाइमली दवा लेंगे तो ये बीमारी जड़ से ख़त्म होगी। हमारा ये क्लियर मैसेज जनता तक पहुंचना चाहिए और जनता को समझ में आना चाहिए कि टीबी में छुपने की, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाएं नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म होने वाली बीमारी है। अगर आपने बीच में कैसा भी ब्रेक लेते हैं ट्रीटमेंट में, तो उस टीबी का एक वर्स फॉर्म, जिसे हम एमडीआर टीबी कहते हैं, वो होने की संभावना बढ़ जाती है और उसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाएं, कोई भी लक्षण दिखाई दे जल्दी से डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लें।